नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश विदेश में चंद्रपुर जिले में स्थित ताडोबा का जंगल बाग के लिए प्रसिद्ध है, जहां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सैर सपाटे के लिए यहां आते हैं। इस बीच बाघ नख के सौदागर चंद्रपुर शहर में पकड़े जाना यानी कि बाघों की सुरक्षा भगवान भरोसे देखी जा रही है। चंद्रपुर शहर के गिरिराज होटल के सामने बाघ के नाखून बेचने वाले गिरोह के 2 सदस्य आने की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा की टीम को मिली। सूचना के आधार पर टीम ने गिरिराज होटल के सामने जाल बिछाकर 2 व्यक्ति को हिरासत में लिया। आरोपियों से 2 बाघ नख जब्त किया गया है। तो वही सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव के चलते जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के और अवैध कारोबार करने के खिलाफ धड़क मुहिम चलाने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन ने अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावर को दी है। इसके बीच टीम को 2 लोग बाघ नख के बेचने के उद्देश्य से चंद्रपुर के गिरिराज होटल के सामने आने की गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर एलसीबी की एक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी रामनगर राज सिविल लाइन निवासी चंदन किशोर पिंपले 51 वर्षीय एवं नगीनाबाग परिसर निवासी रविंद्र बोरकर 65 वर्षीय को हिरासत में लेकर 2 बाघ नख जब्त किए हैं। आगे की कार्रवाई के लिए दोनों आरोपी को बाघ नख वन विभाग सहायक वन संरक्षक को सौंपे गए। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में एलसीबी के पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावर के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक विनोद भोरले, स्वामीदास चालेकर, नितिन कुरेकर, दिनेश अराडे, प्रशांत नागोसे आदि ने दी है। देखिए जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से रमेश निषाद ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।